हम बाज की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, पक्षियों का राजा बाज। आप बाज से भलीभांति परिचित हैं। बाज जो कि अपनी उड़ान के लिए मशहूर है और किस प्रकार से बड़े ताकतवर पक्षी को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे अपना निवाला या भोजन बनाता है, किंतु एक समय ऐसा भी आता है जब बाज को अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके नखून बड़े हो जाते हैं, चोंच भी उसकी काफ़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे समय में उसे शिकार को पकड़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है और भोजन खाने में भी उसे तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति से वह गुजरता है कि इस समय डुआडाई या तो करो या मरो की स्थिति उसके सामने आ जाती है। किंतु बाज करने में विश्वास रखता है। वह ऊंचे पहाड़ पे चला जाता है और वहां 3-4 महीने तक बिना खाना खाए रहता है और उसके पंजे के जो नखून बड़े हो चुके थे उन्हें वह पत्थर से टकरा कर तोड़ता है। उसकी चोंच जो काफ़ी बड़ी हो गई थी, जो उसे खाना खाने में दिक्कत दे रही थी, उसको भी वो भाटे से टकरा कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में उसे काफ़ी समय लगता है और उसके शरीर का काफ़ी खून भी निकलता है। जब वह अपने नाखून और चोंच को तोड़ता है तो वह पूरी तरह से घायल हो जाता है और उसके शरीर का काफ़ी खून निकल जाता है और अधमरे की स्थिति में वह रहता है। और इस स्थिति में वह बिना पानी पिए, बिना खाना खाए 4 से 6 महीने निकालता है। और जब उसके नाखून पूरी तरह से टूट जाते हैं, चोंच तोड़कर वह छोटी कर लेता है और जब उसकी चोंच छोटी हो जाती है और वह पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो वह पुनः लौट आता है और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से शिकार करने लगता है। और इस तरह बाज अपने जीवन काल को बढ़ा लेता है, अपनी उम्र को बढ़ा लेता है और एक विषम परिस्थिति से निकलकर बाहर आता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर वह अपने नखून नहीं तोड़ता, अपनी चोंच को नहीं तोड़ता तो उसे भूखा मरना पड़ता और भूख से वह अपने प्राण खो देता। किंतु उसने अपने प्राणों की रक्षा भी की, अपने नखून भी तोड़े, अपनी चोंच को भी तोड़ा और पुनः पूर्व स्थिति में लौट आया, पूरी ताकत के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़ा कष्ट उठाकर अपने जीवन को यथासंभव सुरक्षित करना चाहिए।